गुरु भक्ति योग। सच्चा सुख सद्गुरु की सेवा में निहित है। शिष्य गुरु सेवा के द्वारा ही देहाध्यास से छूटकर ऊंची कक्षा प्राप्त कर सकता है। अपने गुरु में, गुरु की महिमा में और गुरु के नाम जप के प्रभाव में सच्ची पूर्ण जीवंत और अविचल श्रद्धा रखो। गुरु की संपूर्णतः शरणागति लेना गुरु भक्ति की अनिवार्य शर्त है। जब तक आपको गुरु में अखंड श्रद्धा न जगे, तब तक गुरु की कृपा आप पर उतरेगी ऐसी आशा मत करना। गुरु साधना रूपी नाव के कर्णधार हैं, लेकिन पतवार तो साधक को ही चलानी होगी। कल हमने सुना जगाधरी गांव के एक सेवक के विषय में, जो महीने में एक बार गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में जाकर अपनी सेवा देता। एक दिन गुरुदेव ने उससे कहा कि कुछ दिन के लिए यहीं गुरु दरबार में रुक जाओ। परंतु सेवक ने कहा, गुरुदेव, मैं तो यहां रुक जाऊं, परंतु मैं रोज कमाता हूं, तभी मेरे घर में चूल्हा जलता है। मैं यहां रुक जाऊंगा तो मेरे परिवार को कौन देखेगा। गुरुदेव ने कहा कि तुम विश्वास को धारण करो, जिसने चोंच दी है वही दाना भी देता है, पंख दिए हैं तोड़ने के लिए खुला आसमां भी देता है। तुम यहां रहकर सेवा करोगे तो तुम्हें सत्संग भी मिलेगा, साधना का भी अवसर मिल जाएगा और गुरु दर्शन तो तुम करते ही रहोगे। सेवक ने कहा, गुरुदेव, वो तो सब ठीक है, परंतु मेरे बिना मेरा घर नहीं चल पाएगा। गुरुदेव देख रहे थे कि सेवक के कदम जब ठहर ही नहीं पा रहे, तो इस मार्ग पर जमेंगे कैसे। जमने के लिए तो सेवक में अंगद जैसा विश्वास चाहिए। बाहरी दृष्टि से तो अंगद के गुरु, उनके स्वामी प्रभु श्री राम ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। पहले उसकी आंखों के सामने उसके पिता का ही वध कर डाला, फिर जो मुकुट उसके सिर सजना था वह सजा दिया गया सुग्रीव के सिर पर। लेकिन अंगद का विश्वास था कि तब भी बना रहा। उसके लिए तो उसके प्रभु ही उसके वास्तविक पिता थे। उनका आशीर्वाद देता हस्त ही अंगद के सिर का मुकुट था। तभी तो उसके पांव रावण के दरबार में अपने प्रभु पर विश्वास से ओतप्रोत होकर ऐसे जमे
कि इतिहास में वह अमर हो गए। और एक यह नादान भक्त है कि कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहने की आज्ञा ही इसे ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे इसका सब कुछ छिन रहा हो। इसे लग रहा है कि मैं इसका हित नहीं सोच रहा हूं, जबकि यह अपना अहित नहीं देख पा रहा है। मैं इसके भविष्य में आने वाली कष्टपूर्ण स्थितियां ही नहीं मिटाना चाहता, बल्कि इसकी भक्ति की भी रक्षा करना चाहता हूं। पर कोई बात नहीं, अगर पैर इसने नहीं जमाए तो हम जमा देते हैं। इसे अध्यात्म की गहराइयों से रूबरू तो कराना ही है। गुरुदेव ने कहा, चलो ठीक है, नहीं रुक सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारा एक कार्य तो करना ही पड़ेगा। तुम्हारे जगाधरी गांव की तरफ ही सदोरा नगर है, वहां पीर बुद्ध शाह जी को हमारा एक पत्र पहुंचा देना। ध्यान रहे कि पहले पत्र पहुंचाना, फिर अपने गांव जाना। सेवक प्रसन्न हो गया कि गुरुदेव मान तो गए कम से कम, बाकी पत्र का क्या है, यह तो छोटी सी सेवा है, मैं दे ही आऊंगा। यह सोचकर सेवक पत्र लेकर चल पड़ा सीधा पीर बुद्ध शाह जी के पास पहुंचा। सीधा इसलिए नहीं पहुंचा कि पत्र पहुंचाने की सेवा को पूरा करने की तीव्र भावना थी, बल्कि इसलिए कि इस सेवा को निपटाने के बाद अब वह अपने घर पहुंचने का रास्ता देखने लगा। गुरु घर से आए गुरु भाई को बुद्ध शाह जी भी ऐसे कैसे जाने देते। आखिर बुद्ध शाह जी भी गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे। हालांकि सेवक काफी जल्दी में था, परंतु फिर भी बुद्ध शाह जी ने अधिकार पूर्वक उसे नाश्ता परोस दिया। इसे खाकर ही जाना, ऐसे मत जाओ, तुम मेरे आश्रम से आए हो, मेरे गुरु दरबार से आए हो, बिना खाए मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। जब तक वह सेवक नाश्ता कर रहा था, तब तक बुद्ध शाह गुरु जी का संदेश पढ़ने लगे तो पढ़ते पढ़ते कभी सेवक को देखते और कभी पत्र को। थोड़ा मुस्कुरा भी रहे थे, जिसे देखकर सेवक का माथा ठनका। बुद्ध शाह ने कहा सेवक से, हे भाई, गुरुजी का आदेश है, आपको मेरे पास यहीं पूरे 6 माह तक रुकना है, आपके घर भी यह संदेश पहुंचा दिया जाएगा कि आप गुरु दरबार में रुके हैं, आप 6 माह तक घर नहीं जाएंगे, और अगर आप प्रेम आदर से नहीं माने तो आपको बलपूर्वक रोकने की भी आज्ञा है। यहां से भागने की कोशिश मत करना, और तुम जानते ही हो मुझे। सेवक ने सुना तो बेचारे का मुंह खुला का खुला रह गया, हड़बड़ा कर बोला, अरे भला यह जबरदस्ती क्यों? बुद्ध शाह ने कहा, क्योंकि शायद गुरुदेव आपका कोई बहुत बड़ा कष्ट काटना चाहते हैं, साथ में कोई विशेष कृपा भी करना निश्चित है। पर चाहे जो भी हो, आपको यहां रोकना मेरी सेवा है,
तो अब आप 6 माह तक घर जाना भूल जाएं और यहीं रुकें। सेवक जानता था कि पीर बुद्ध शाह गुरु का पगला सेवक है, अगर मैं यहां से भागने की कोशिश भी करूं तो वो मुझे जान से मार डालेगा। मन मारकर सेवक वहीं बैठे बैठे सोचने लगा।